एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक और नई ब्लॉग में। और आज ना जो मौसम हो रहा है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कोहरा बहुत ज़्यादा है, तो ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अभी मैं नहा धो के आपसे मिल रही हूँ और ब्लॉग की शुरुआत अभी कर रही हूँ 10 बजे से, क्योंकि मॉर्निंग में आज मैंने फर्श वगैरह धोया तो बहुत ज़्यादा मेरा काम हो रहा था, तो मैं ब्लॉग उस टाइम पर शूट नहीं कर पाई। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि जो हमारा छत बना हुआ था वहाँ पर, मतलब जो भी सीमेंट वगैरह था वो हमने क्या साफ कर दिया है, तो वहीं आपको अभी लेके चल रही हूँ। तो इसी किचन के जस्ट बैक साइड बना रखा है हमने आग जलाने वाला किचन। वैसे तो आग जलाने वाला हमारा नीचे था, पर थोड़ा मतलब वहाँ पर सामान कूड़ा का भाड़ा ज़्यादा हो रहा था इसलिए। और यहाँ भी ऑलमोस्ट बन ही चुका है। और आज शाम को यहाँ पर आग जलाएंगे तो शायद सब्जियाँ यही बनाएंगे, क्योंकि आज तक मतलब या तो नीचे बनाते थे या फिर यहाँ पर गैस में बनाते थे। अब यहीं से बनाएंगे चूल्हे में, और आग भी यहाँ पर से सेक सकते हैं, तो शायद शाम से बनाएंगे। और अगर बनाएंगे तो आपको दिखाया जाएगा, या फिर शायद दिन से बनाएं पर आपको दिखाया जाएगा। बाहर से आज हमने अपना सिलबट्टा भी रख दिया, ये इस साइड रहता था पहले, तो अब ये बन गया है यहाँ पर। तो अब इसकी पोजीशन यहाँ पर चेंज हो चुकी है और थोड़ी देर में यहाँ पर हम आग जलाने ही वाले हैं। अब किचन का उद्घाटन हो रहा है, आज बांस की लकड़ियां ले जा रहे हैं और यहाँ पर आग जला रहे हैं। तुम पापा ने पनीर जैसा बना रखा है, सोच रहे पनीर जैसा नहीं बना रखा आपने, बर्तन धोने वाला होता है जैसा ना, वो सही जैसा लग रहा। तो ये लगा रहे हैं हम बाज की लकड़ियां इसको जलाने के लिए। ला रही हूँ आग यहाँ पर, आज नए चूल्हे में हमारा आग जलने वाला है और आग को चलने में बहुत टाइम लगेगा, थोड़ी लकड़ियां बहुत ज्यादा सूखी नहीं है। तो इसको कहते हैं जाती, जो आपको मैंने पुरानी वीडियो में दिखाई थी लोहे का, और इस जाती को हमने रखा है और चारों ओर लगा रखे हैं लकड़ियां। और अब जलाऊंगी इसमें आग, और मेरी आग हमेशा बुझ जाती है, क्योंकि मुझे हमेशा ना जो कैरोसिन ऑयल होता है उससे आग जलाने की आदत है, उसको डाल के एक ही बार में सीधे आग जला देती हूँ। बस आग जल रही है। और आग जल रही है, और आज हमारी बन रही है नए चूल्हे पर हरी हरी घर की पत्तियों की सब्जी, जो हमने अपने खेत से तोड़ रखी है। तो ये मूली की पत्तियां हैं, इसकी सब्जी बन रही है, और अभी मैं इनको काट रही हूँ यहाँ पर। तो आज ये वाले किचन में बना रही हूँ, इसलिए चॉपिंग बोर्ड का यूज नहीं कर रही हूँ, हाथ में ही काट रही हूँ। और दिखाते हैं आपको मूली की पत्तियों की सब्जी आज अपने पहाड़ी किचन में। जल चुकी है और कढ़ाई हमने रख दी है, और यह है तेल, इस पर मैं तेल डाल दूंगी। और तेल हरी सब्जी में थोड़ा सा हम ज्यादा डाल रहे हैं। अब यहीं पर सब साग सब्जी बनेगी आज से हमारी। अब इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं, और धुआं बहुत ज्यादा लग रहा है यहाँ पर। तेल गरम हो चुका है, और तेल बहुत ज्यादा ही गरम हो चुका है, तो इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ हरी सब्जी में ऐसे चूरने के बाद। और ये बिल्कुल काली हो चुकी है, अब मुझे लगता है यहाँ आग लगती है आज। मम्मी और ये बम फट गया यहाँ पर चूल्हे में बनाने में ना ऐसे होता है, अगर ये ज्यादा गर्म हो जाती है ना कढ़ाई, और तो जो सब्जी है उसमें आग लग जाता है। तो सब्जी इसमें पूरी डाल दी है मैंने, और अब इसको पलटाते हैं। इसमें कढ़ाई आज मैंने छोटी वाली रख दी, क्योंकि थोड़ी देर में ठीक आ जाएगी सब्जी इसमें। और रोटियों के लिए अब आटा भी गूंद चुका है यहाँ पर, तो थोड़ी देर बाद बनाते हैं हम यहाँ पर रोटियाँ। जो सब्जी है हमारी वो अब अच्छे से बन चुकी है, और अब इसको निकाल देते हैं और रोटियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसको कहते हैं सिनस, इससे मतलब ये होल्डर होता है बर्तन पकड़ने वाला, और इसको ऐसे पकड़ते हैं और उठाकर यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमने बना रखा है काले बर्तन रखने के लिए, और ये बन चुका है। और ये जैसे कि दिखा दिया मैंने आपको, बर्तन पकड़ने वाला होल्डर होता है, और इसमें लगा देते हैं ढक्कन। और अब इस पे रख देते हैं तवा, तवा मतलब जो आग वाला है ना हमारा, ये बिना हैंडल वाला है, तो इसको इसमें रख देते हैं। रख दिया हमने इसमें तवा, और अब रोटियां बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको रख देते हैं अपनी जगह पर,
अब रोटी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है ना, ये कोयले जो है इनको एक साइड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ना ये जल जाएंगे, तो इसलिए एक साइड को कोयले कर लूंगी ऐसे, और यहाँ आग अपनी जलती रहेगी, उधर साइड से हम रोटियां सेकते रहेंगे, तो यहाँ साइड को मैंने कोयले अलग कर लिए, और अब रोटी भी बनने लगी हमारी। उठा देंगे हाथ तवे में, तवा थोड़ा ज्यादा गर्म हो रहा है। और इसको यहाँ से पलटा देंगे, और अभी दोनों साइड से सिक चुकी है, तो इसको यहाँ कोयले में रख देंगे ऐसे 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 ऐसे। तो मैं भी कोयले में बनाने के लिए नौसिखिया टाइप की हूँ, मतलब इससे पहली बार जनवरी में बनाए थे मैंने, थोड़ा नीचे कोयले में थोड़ा जल जाते हैं इसमें मेरे से रोटियाँ। और ये फूल नहीं रही है, बारिश आ रही है, और बारिश भी आ चुकी है अभी अभी, बाहर से 3 बजने लग गया है, पक गई ना, तो ये रोटी पक चुकी है देखो पूरी। खाना हमारा बन चुका है और अब हम इसको खाते हैं। ये है छपरी जिसमें हमने रोटी रखी है, और ये हरी सब्जी जो हम कढ़ाई से ही खा रहे हैं सीधे। तो अब हम लोग कर रहे हैं, मतलब खाना खा रहे हैं, तो अब और ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।